फ्रेंड्स, कैश एक्सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलजिंदर सिंह आज आपको बताऊंगा कि आप बिना इंटरनेट के लैंग्वेज को कैसे ऑफलाइन ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर में, लेकिन कुछ जरूरी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। जब भी आप ऑफलाइन ट्रांसलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको एक बार इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, उसके बाद आप इसे ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल। तो गूगल ट्रांसलेटर, ये देखिए गूगल ट्रांसलेटर आ गया। तो आपको इसको करना है इंस्टॉल। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब मुझे इसे को करना है ओपन। डन। अब ये क्या है, मुझे करना है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। तो मैं यहाँ पे दबाऊँ, प्रेस करूँगा, लिखते हैं हाउ आर यू। तो देखिए ये ट्रांसलेट होके आ गया, आप कैसे हैं। तो जो ये ट्रांसलेट हुआ है, ये हुआ है मेरा ऑनलाइन मोड पे। ये देखिए मेरा नेट चल रहा है। तो अब मैं इसे चाहता हूँ कि मैं जब भी ऑफलाइन हूँ तब भी मेरा ये ट्रांसलेटर वर्क करे। मैं जब भी इंग्लिश टू हिंदी करना चाहूँ तो उसे कन्वर्ट कर सकूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्लिक करना है हिंदी के ऊपर और नीचे जाना है। आपको हिंदी लैंग्वेज को ढूंढना होगा। आप किसी भी लैंग्वेज में चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये मेरा हिंदी है, इसके सामने डाउनलोड का बटन है तो मुझे उसे प्रेस करना होगा। ये देखिए ये प्रेस करने के लिए बोल रहा है कि 32 MB का है ये फाइल, तो मुझे डाउनलोड पे क्लिक करना होगा और जो मेरा नेटवर्क है उसे सेलेक्ट करना होगा, जिस भी नेटवर्क के थ्रू मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, और डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। ये देखिए ऊपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और ये भी यहाँ पे भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा डाउनलोड हो गया हिंदी, और उसके फ्रंट में आ गया जहाँ पे डाउनलोड का बटन था वहाँ पे टिक लगा हुआ आ गया। तो इसका मतलब है मेरी जो हिंदी लैंग्वेज थी वो डाउनलोड हो चुकी है। एक तो ये तरीका है जिसे डाउनलोड करना है, और सेकंड तरीका क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, उसके लिए आपको क्लिक करना होगा गूगल ट्रांसलेटर के साइड पे जो 3 लाइनें हैं इसके ऊपर क्लिक करना होगा और ऑफलाइन ट्रांसलेशन में जाना होगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड लैंग्वेज है वो हिंदी पहले से है इसमें, और आप और भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज जो आपको जिसमें ट्रांसलेट करना है। तो ये अब दोस्तों मेरी जो ऑफलाइन लैंग्वेज है ये डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं अपना नेट बंद कर रहा हूँ। देखिए मुझे ऑफलाइन मोड पे चला गया हूँ। तो अब मुझे देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे प्रेस करता हूँ मैं हाउ आर यू। तो ये देखिए ये वर्क कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये ऑफलाइन ट्रांसलेटर वर्क कर रहा है। तो आप ऐसे ही अपनी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आपके पास नेट नहीं है। आप इसे इंस्टॉल करके अपना जो भी काम है वो आप
आप ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि फर्स्ट टाइम आपको नेट चाहिए होगा, तभी आप ऑफलाइन लैंग्वेज डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इसको यूज़ कर सकते हैं। आज मैंने आपको बताया कि आप ऑफलाइन ट्रांसलेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसे ऑफलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए रेड बटन को सब्सक्राइब करके आप मेरी नई वीडियो आने वाली वीडियो की अपडेट पा सकते हैं। थैंक यू।